यामा कंपनी अपनी R15M का 2023 मॉडल को फाइनली 13 फरवरी को हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर देगी, जिस पर कंपनी ने जो है मीटर में चेंजेस की है और भी काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है R15M में जो है कंपनी ने 2023 मॉडल में क्या कुछ चेंजेस कर दिए है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोग को चेंजेस के बारे में बताऊं तो सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है वो यहाँ पर मीटर में किया गया है, जो कि अब आप लोग को इस बाइक में जो है TFT मीटर दिया जा रहा है, जो कि यामा कंपनी की जो R125 इंटरनेशनल मॉडल है सेम उसमें जो आप लोग को मीटर कंसोल दिया जाता है, सेम वही मीटर कंसोल को जो है अब यहाँ पर कंपनी R15M में भी देना चालू कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग को इस गाड़ी में जो दूसरा चेंजेस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इंडिकेटर्स में, जो कि अब आप लोग को कंपनी जो है आप लोग को इस गाड़ी में LED के इंडिकेटर्स दे रही है, जो कि पहले इस गाड़ी में जो आप लोग को हेलोजन के इंडिकेटर्स देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर कंपनी ने जो है दो ही बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, जो कि यहाँ पर मीटर में और इंडिकेटर्स में किए हैं। इसके अलावा ये जो गाड़ी है ये एग्जैक्ट पेलेक्ट्राई है। पेलेक्ट्राई गाड़ी में आप लोग को प्रोजेक्टर, LED हेडलैम्प दिया जा रहा है, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जा रहा है, जिस पर कि आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ गाड़ी पे आप लोग को USD सस्पेंशन फ्रंट पे और रेयर पे जो है मोनो का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ गाड़ी में आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आप लोग को सभी चीजें जो है पहले तराई देखने को मिलती है। इंजन भी आप लोग को पहले तराई देखने को मिलता है, जो की 155 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है। इसके मैक्सिमम पावर के बारे में बताऊँ तो 18.1 BHP तक की है, और मैक्सिमम टॉर्क जो है आप लोग को गाड़ी में 14.2 Nm तक का देखने को मिल जाता है, जो की गाड़ी जो है 6-speed गेयरबॉक्स के सेटअप के साथ आती है, और गाड़ी से लगभग आप लोग को 40 kmpl प्लस तक का माइलेज देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो है पहले के मुकाबले क्या कुछ प्राइसिंग को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर वैसे तो ऑफिशियली प्राइसिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जो कि कंपनी जो है 13 फरवरी को इस गाड़ी को लॉन्च कर देगी, इसके बाद कंपनी इस गाड़ी के प्राइस को रिवील करेगी। सो यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो लगभग जो है 5,000 से 7,000 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। सो अब ये यामाहा R15M 2023 मॉडल की जो एक्स शोरूम प्राइस होगी वो लगभग जो है 2 लाख रुपए के आसपास में होगी, और ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग जो आप लोग को 2,30,000 से 2,35,000 रुपए के आसपास में देखने को मिल सकता है। सो आप लोग बताएं दोस्तों, ये जो अपडेटेड 2023 मॉडल यामाहा R15 है, इसके अपडेट्स के बारे में आप लोग को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखेगा। और इस वीडियो को भी अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।